स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग स्पीकिंग दे के आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही बताते हैं कि हमारे एग्जामिनर जो था वो बहुत ज्यादा रूड था, उसने मेरे से बहुत ज्यादा वाई पूछा। हर क्वेश्चन के बाद वो वाई पूछ रहा था, स्पेशली पार्ट थ्री में। तो पहले आप प्रूफ देखिए कि आपके जो एग्जामिनर हैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते क्यों हैं, आपको क्यों बार बार वाई पूछते हैं, हाउ पूछते हैं, ठीक है, और कौन सी सिचुएशन में वाई हाउ वगैरह जब अगर वो पूछते हैं तो आपके लिए वो खतरे की घंटी हो सकती है, आपके लिए अच्छा साइन नहीं है, और कौन सी सिचुएशन में आपके लिए अगर वाई और हाउ पूछ भी लेता है तो भी कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करके देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो को छोड़ दो यार, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ सीखने में तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के जब मैं क्लिप अभी प्ले करने जा रहा हूं, आपके सामने दो स्टूडेंट्स होंगे, एक स्टूडेंट वो है जिसको मैंने वाई पूछा है और एक वो स्टूडेंट उसको भी मैंने वाई पूछा, लेकिन दोनों की क्वालिटी ऑफ आंसर में बहुत सारा डिफरेंस है। पहले आप क्लिप देख लो। और एक चीज और मैं बता दूं, इस वीडियो में ग्रामर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको लेसन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ वाई के ऊपर है, ठीक है, कि आपको काउंटर क्वेश्चन क्यों करते हैं एग्जामिनर, राइट। और इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि उसका ग्रामर खराब है या वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, वो उस चीज के ऊपर हमारा ये आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो उसको आपने इग्नोर करना है, आप क्वेश्चन को सुनिए जरा, क्लिप देखिए और उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। Do you think it is the responsibility of the government or the people themselves to ensure the places to relax? I think that it's a responsibility of a local people because they are conscious for their, if they are conscious for their health, then they can prefer to go parks and gardens to relax their mind and relieve their stress. My question is, who is responsible for providing these relaxing places? Government or people themselves? In my perspective, government should provide various facilities to the people such as parks, gardens. Why government? Because government have a responsibility to set up these kind of facilities for local people because they have more money and they have more space. They can provide to the local people for doing these kind of facilities and it is beneficial for everyone. Okay. तो सुना आपने स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, आपको पता चल गया होगा मेरा जो क्वेश्चन था आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने उससे पूछा था, इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और पीपल टू इंश्योर प्लेसेस टू रिलैक्स, ठीक है। यो क्वेश्चन था वो कंपैरिजन के ऊपर था कि आपको उसका ना प्रॉपर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किस चीज का करना है कि अगर आपको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिलैक्सिंग प्लेसेस हैं जैसे हमारी पार्क्स वगैरह होती हैं, तो वो अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो क्यों है, और अगर वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो क्यों है, और अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो क्यों है, मतलब आपको इनको कंपैरिजन करके थोड़ा आंसर को बताना था, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया, इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि सबसे पहले तो इसने रॉन्ग आंसर देना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने दोबारा से अपना जो क्वेश्चन था उसको रिपीट किया, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। आप लोग थोड़ा सा समझिए चीजों को और फिर आंसर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने एग्जामिनर को बोल दीजिए ना कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप अपने एग्जामिनर से क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हैं, इसकी बजाय कि अगर आप गलत आंसर कर दें उससे तो बेटर ये कि आप अपने एग्जामिनर को क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलें। आप क्लियरली उसको समझो, समझने के बाद उसको बोलो और क्लियरली आंसर दो कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, ठीक है जी। तो अभी हम स्टूडेंट बी की बात करते हैं, उसको सुनते हैं स्टूडेंट बी जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। वेल, डू यू थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल और द गवर्नमेंट टू इंश्योर प्लेसेस फॉर पीपल टू रिलैक्स? I think it's the responsibility of both because those people who are wealthy, they have more place and more money, then they can ensure their own places for relaxation and they can also ensure their neighbors to come there. And however, it is the responsibility of government also because they have the responsibility of their citizens and then they should definitely open new parks and gardens in the metropolises so that people can relax there and because children can also play there as they are the future of their nation. तो अभी आपने सुना, सेम ही क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट बी को पूछा है,
तो वही आंसर जो है स्टूडेंट बी ने भी किया है, लेकिन उसका जो आंसर करने का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उसने ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने दोनों का बोल दिया तो उसका आंसर सही हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने दोनों का बोला है कि ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और लोगों की भी बनती है, लेकिन उसने उसका लॉजिक बताया है कि क्यों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लॉजिकल तरीके से उसको बताया है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे बनती है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एग्जामिनर आपसे क्यों पूछेगा व्हाई, आपको क्यों पूछेगा हाउ, राइट? तो मतलब उसने अपने आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है। थोड़ा सा और भी इसको वो इम्प्रूव करके बता सकती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने जो भी उसका आंसर था जहां तक भी इसने बोला था वो जस्टिफाइबल है, तो इसलिए उसको एग्जामिनर जो है वो वाई नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं आपको और यहां पे चीज क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये बोल देते हो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपका आंसर गलत है। अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं है। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लॉजिकल है, राइट? तो ये चीज होता है कि आपको अपने आंसर को लॉजिकल तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है। आप लोग अपने आप को पहले ही तैयार करना स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जिनका अभी एग्जाम होने वाले हैं मई में या फिर अप्रैल के लास्ट में जिनके एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है ना यार, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको कहीं मिलने वाले है नहीं, सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी ट्राई कर लो, आपको ऐसे कंपैरिजन बहुत कम मिलेंगे। ठीक है जी, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अब आपकी नॉलेज के लिए एक और सैंपल दिखाता हूं, एक और क्लिप दिखाता हूं, वो दोनों का कंपैरिजन एक और क्वेश्चन में आप देखिए और मैं आपको इसका फिर से बताऊंगा कहां पे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ओके, एंड इफ वी हैव टू कंपेयर मेंटल रिलैक्सेशन एंड फिजिकल रिलैक्सेशन, कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक दैट व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट। I think that mental relaxation is a play crucial role in our life. How? Because people can feel depressed due to high competitions. They do not have enough time to spend their family members and do some physical activities like yoga and meditation. So they can feel depressed and less energetic. So I think that this kind of they can face many difficulties related with their health and mentally health. So I think that mentally health why is more physical, important. Why not physical relaxation is important? As you told, like mental relaxation is important, I agree with you. Yes. Why not physical relaxation? Oh, whereas physical relaxation is also important, but people can do some outgoing activities such as delivery different kind of things. If I talk about people can deliver different kind of things when we buy through advertisement, so they can do physical activities instead of relieve their stress. अभी आपने सुना, मैंने स्टूडेंट से पूछा मेंटल रिलैक्सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट और फिजिकल रिलैक्सेशन, ठीक है, तो उसने आंसर अच्छा किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल रिलैक्सेशन स्टूडेंट ने चूज किया कि मेंटल रिलैक्सेशन ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, उसको उसने अच्छे से जस्टिफाई कर दिया, लेकिन जो फिजिकल रिलैक्सेशन का मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन पूछा उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आउट ऑफ टॉपिक चला गया स्टूडेंट, और जो मैं उससे पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर से आपका एग्जामिनर जो थोड़ा सा उसको लग सकता है कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो आइए जरा हम अब स्टूडेंट बी का सैंपल आंसर सुनते हैं और देखते हैं वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर मैं आपको उसका भी एक्सप्लेन करता हूं और दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। Which one is more important, mental relaxation or physical relaxation? I think both have their own importance, but I mostly prefer a mental relaxation because if we are stressful, then we cannot do any work with concentration. So mentally relaxation is more important than. Why not physical relaxation? Physical relaxation is also important, but people can do exercises for their physical relaxations as they exercise their body produce endorphins and their stress should gone away. But for their mental relaxation it's not easy to come down from their stress. So I think their mental relaxation is more important.
तो अभी आपने नोटिस किया कि ये जो स्टूडेंट है इसने भी क्या किया है, इसने भी मेंटल रिलैक्सेशन को ही चूज किया। मैंने सेम क्वेश्चन इसी स्टूडेंट को भी पूछा है, मेंटल रिलैक्सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट और फिजिकल रिलैक्सेशन, तो जो स्टूडेंट बी है उसने भी मेंटल रिलैक्सेशन को ही चूज किया, लेकिन उसका जो आंसर है उसमें क्या, मतलब उसका अच्छा पॉइंट क्या है कि उसने मेंटल रिलैक्सेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद फिर वो रुक गया, उसके बाद उसने वहां पे जाके स्टॉप कर दिया, लेकिन उसने जो फिजिकल रिलैक्सेशन था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो मैंने दोबारा से उसको फिजिकल रिलैक्सेशन के बारे में काउंटर क्वेश्चन किया और फिर उसने उसको भी अच्छे से जस्टिफाई कर दिया, राइट। तो इस सिचुएशन में मैंने उसको वाई पूछा, लेकिन उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरे ख्याल से, तो आपको सीखने को मिला होगा जिनको स्पीकिंग में डर लग रहा है। स्टूडेंट वाई पूछने से कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन ही गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका एग्जामिनर आपका आंसर बोलने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मिसकम्युनिकेशन चल रही है। जो आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप उस आंसर को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ और बता रहे हो, राइट। और अभी जो आपने देखा कि स्टूडेंट को मैंने वाई पूछा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उसको जो मैंने पूछा है वो बता दिया, लेकिन एक पार्ट उसने मिस किया, वो मैंने उसको पूछ लिया। तो आपको वाई पूछने से घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात तब है जब आप उसको जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मटीरियल चाहिए प्रेडिक्शन के लिए, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं मई में या जून में, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।